सज्जनों की सेवा में कि सावीर हकीकत राय सोनोटेक कैसेट कंपनी की ओर से पेश है। एक लंबे समय तक हिंदुस्तान की राजनीति पर मुस्लिम शासक छाए रहे। इन मुस्लिम बादशाहों के शासन काल के दौरान कई वक्त ऐसे गुजरे जबकि हिंदू जाति के ऊपर अत्याचार और जुर्म के बादल मंडराते रहे। इसमें औरंगजेब का शासनकाल सबसे अधिक अत्याचारी था, जबकि हिंदुओं को हिंदू धर्म त्याग कर जबरदस्ती इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाता था। लेकिन शाहजहां फिर भी इंसाफ पसंद बादशाह था, लेकिन उसके अधीन रियासतों में नवाब लाहौर व काजी शालकोट तो हिंदुओं पर कठोरता के पत्थर बरसाने में हिचक नहीं करते थे। इसी समय का एक जिक्र है कि शालकोट में सेठ भागमल रहा करते थे। उनका इकलौता पुत्र था जिसका नाम हकीकत था। हकीकत की माता का नाम कोरा था और वीर हकीकत की यानी सी उम्र में अर्थात 11 वर्ष की आयु में शादी हो गई। उसकी पत्नी का नाम लक्ष्मी था। प्रेमी दोस्तों, कल ही शादी करके लाया था हकीकत। सुबह होते ही अगले दिन कहता है कि माँ मैं स्कूल में जाऊंगा। माता कहती है, बेटा अभी कंगना भी नहीं खुला है, आज मत जाओ स्कूल में। नहीं माँ, मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। हकीकत बच्चा मकतब में पढ़ने के लिए जाया करता था। हकीकत के गुरुजी मुल्ला जी 5 बार नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में जाते थे और जैसे ही मुल्ला जी नमाज अदा करने के लिए गए हुए थे तो अन्य बच्चे हकीकत से कहने लगे कि हकीकत आओ खेलेंगे। हकीकत कहता है कि नहीं भैया, मैं नहीं खेलूंगा, मेरा काम कई दिन से पीछे छूटा हुआ है। कि नहीं, तू हमसे सबसे पहले याद करके और हमें पिटवाता है, आओ खेलेंगे। हकीकत कह देता है कि मुझे दुर्गे माँ की कसम मैं नहीं खेलूंगा। इस बात पर अन्य मुस्लिम बच्चे कह देते हैं कि तुम्हारी देवी की तो ऐसी की तैसी। इस बात पर हकीकत कहता है कि माँ दुर्गे में और बीवी फातिमा में कोई अंतर नहीं है। जो शब्द तुमने माँ दुर्गे के लिए कहे वे बीवी फातिमा के लिए समझो। इस बात पर सब बच्चे कहने लगे कि इसने इस्लाम धर्म की तोहीन करी। जैसे ही मुल्ला जी आते हैं सब बच्चों ने हकीकत की शिकायत कर दी और कह दिया कि इसने बीवी फातिमा को अपशब्द कहे। मुल्ला जी ने एक ना सुनी, रूल उठाया और उसकी धुनाई शुरू कर दी और फिर उसको बंद कर दिया एक कोठरी में और पता भिजवा दिया कि कह देना इसके घर वालों से इसका चालान करूंगा और काजी जी के यहाँ मुकदमा पेश किया जाएगा। प्रेमी दोस्तों, उधर तो लक्ष्मी भी इंतजार कर रही थी अपने पति की और उधर माता पिता के तो दुख की सीमा ना रही। जब छुट्टी का वक्त भी हो गया और हकीकत नहीं आया, काफी देर बाद एक छोटा लड़का जो कि हकीकत के पड़ोस में रहता था, सेठ भगवान दास का लड़का था, वह जाकर के सारी सूचना हकीकत के घर वालों को उसकी मां को देता है और क्या कहता है। तेरा हकीकत बंद पड़ा स्कूल में, आज राड का बो दिया बीज फिजूल में। तेरा हकीकत बंद पड़ा स्कूल में, आज राड का बो दिया बीज फिजूल में। हो पढ़न को पाछे हुई लड़ाई, बालक बोले
खेल हकीकत उसने करी मनाई। सारे बालक कच्चे होके गाल बकन लगे माई, दाब लिया नीचे सारो ने मिलके करी धुनाई। दाब लिया नीचे सारो ने मिलके करी धुनाई, न किसे ने मेर लिवाई हरि हो, न किसे ने मेर लिवाई गात भरा धूल में। आज राड़ का बोदिया बीच फिजूल में, ओ हाँ सब बच्चों ने, सब बच्चों ने मुलाया गए सारा भेद बताया। दई फातिमा को गाली का फिर ने जुलम कमाया। इतनी सुन के मुल्ला जी ने रूल हाथ में ठाया, पांच सात डंडे मारे फिर रस्से ते बंधवाया। पांच सात डंडे मारे फिर रस्से ते बंधवाया, बोल थाने में करूं हाँ थाने में करूं बंद फिरे किस भूल में। बोदिया बीच फिजूल में तेरा हकीकत बंद पाया इस फूल में। आज राड़ का बोदिया बीच फिजूल में, ओ मेज पे धर लिया और तकती भी खोसी, मसक बांध ली तेरे बेटे की सारी काया मोसी। सारे बच्चे हंसन लाग गए मन में हुई संतोषी, रोना होगा बंद फिर उसने छागी बेहोशी। वे रोना होगा बंद फिर उसने छागी बेहोशी, हाँ कर दिया दोषी हो, हाँ कर दिया दोषी वो इस्लामी रूल में। आज राड़ का बो दिया बीज फिजूल में, ओ फिजूल में। हानू कह राख, हानू कह रायक तड़के इसने काजी के पहुंचाऊं। बीबी फातिमा को दी गाली इसने मजा चखाऊं। हम सारे बच्चे भगा दिए फिर साची बात बताऊं। साकल भेड़ मार दिया ताला और के तुझे सुनाऊं। ओए साकल भेड़ मार दिया ताला और के तुझे सुनाऊं। हाँ राम रतन कह हो, 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 हो,
राम रतन कह धूल पड़ी तेरे फूल में। हकीकत के साथी बच्चे जब हकीकत की मां कोरा को यह सारा हाल बताते हैं तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। मेहरबानों, हकीकत का पिता भागमल भी आ जाता है, सारा हाल मालूम उसको भी पड़ जाता है। आसमान डोल जाता है इस आशंका से कि पुत्र को कठोर सजा मिलेगी। हकीकत का पिता भागमल व माता कोरा अब तो मकतब की ओर दौड़ पड़ते हैं और उनके दिलो दिमाग में जाने क्या क्या ख्याल आते रहते हैं। सीधे स्कूल में जाते हैं, मुल्ला जी बैठे हुए थे, हकीकत अंदर कोठड़ी में बंद था। जाते ही विनती करती है हकीकत की मां कोरा और मुल्ला जी क्या कहते हैं। तेरा हकीकत चाड़े कर जा, मैं ना करूं कती समाई, रहम करो इसकी घर में बहु ब्याली बैठी आई, रहम करो इसकी घर में बहु ब्याली बैठी आई। जब की बात मामला मेरे हाथ नहीं सै, इकलौता बेटा मेरा आपे में गात नहीं सै। हाँ तेरी फरियाद सुनन की कोरा मेरी भी साथ नहीं सै। चाहत तेरी पूरी ना होए चाहत तेरी, अब काजी कर सुनाई। तड़के का भूखा है उसने रोटी तक ना खाई, तेरा हकीकत चाड़े कर गया ना करूं कती समाई। रात रात की बला रात रात की बात मिले सुबह काजी की महफिल में। तड़के ले दूंगी तेरे जोरे राख भरोसा दिल में, हाँ कहने से कुछ ना हो कोरा तेल रहा ना दिल में। करूं चलान आज काजी कै, करूं चलान आज काजी कै, कल जा पंचायत बठाई। शुक्र कटे रात मियां हमें बहु और बबल माई,
लाख कहो मैं एक न मानू, कहना है बेकार तेरा। हाथ जोड़ पाया मैं गिर गई, कहना कर स्वीकार मेरा। हाँ समझा के ना रखा बेटा, दिखे गलत विचार तेरा। इस बिन कैसे जीऊंगी ये जीवन का धार मेरा। और बिल्कुल ना अधिकार मेरा, बिल्कुल ना अधिकार मेरा। तने कई बे कह दी नाई, मेरे ही ये मैं लहर उठना इसके दूजा भाई। तेरा हकीकत चाले कर जाना करू कति समाई। रहम करो इसकी घर में बहु प्याली बैठी आई, रहम करो इसकी घर में बहु प्याली बैठी आई। बेटा है ये, बेटा है ना लाख तेरा, तो हीन दीन की कर जा। अब ते आगे समझा तुम्हारा सारा कुंडा डर गया। और फतवा का जी करेगा जारी, जो कानून में भर गया। यही मामला निमटा लो कर माँ का लिखन खर गया। और बालक घर बतलाए होंगे, बालक घर बतलाए होंगे, जागना बात जब आई। राम रतन पे कृपा करिए दुर्गा माँ सुखदाई। तेरा हकीकत चाड़े कर जाना करूं कति समाई। से हकीकत के पिता भागमल और माता कोरा ने मुल्ला जी से बहुत प्रार्थना विनती याचना करी, लेकिन मुल्ला जी टस से मस नहीं हुए। कहने लगे कि नहीं, इसने इस्लाम की तोहीन करी है, और अगर मैं इसे छोड़ भी देता तो सारे बच्चों ने अपने घर जाकर के बताई होगी, लोग इकट्ठे होकर के मेरे ऊपर आफत डलवा देंगे। नहीं छोड़ सकता, इसका चालान करूंगा, तुम्हारे साथ में नहीं भेजूंगा। हकीकत की माँ कहती है कि गुरुजी, बहू का कंगना भी नहीं खुला है, आज कम से कम वो रस्म तो हो जाएगी। मैं नहीं जानता किसी रस्म रिवाज को, मैं तुम्हारे साथ नहीं भेज सकता, इसको थाने में भेजूंगा। प्रेमी दोस्तों, हकीकत का पिता और माता कोरा रोते पीटते घर चले आए। उनकी आंखों में आंसू जलधारा देख करके हकीकत की पत्नी लक्ष्मी समझ जाती है कि कुछ अनहोनी जरूर हो गई है। लक्ष्मी रोने लगती है, बिहाली बहू घूंघट उठा देती है, पूछती है, माता क्या बात हुई, मुझे भी बताओ। लाज की वजह से हकीकत की माँ उसे समझाती है, बेटी तू बिहाली है, तेरा बोलना और तेरा घूंघट उठाना ठीक नहीं, पड़ोसी भी क्या कहेंगे। उसको समझाती हुई, ढांढस बंधाती हुई क्या कहती है हकीकत की माँ अपनी बहू को, जान ले बहू मेरी तू, मान ले बहू, घूंघट तान ले बहू, सुत मेरा मेरा।
डलिया बोल रही, तेरी उदासी आज लक्ष्मी काल जे न छोल रही। कदे घर में और कदे आंगन में बिरथा रोती डोल रही। हो तंग ना बहू, सही ढंग ना बहू, खुले तंग ना बहू, अभी आने खिलावे साथी मिला नहीं, वो इंतजार में बैठा होगा, इसा बावड़ा नहीं हकीकत, खड़े प्यार में बैठा होगा। अजे ख्याल बहू क्यों घाले बहू, मेरा लाल बहू सबे गंग नुआवे चारी। सास ससुर के मन में अपरंपार होगी, छोरी छोरे मैं देखेंगे किसकी जीत हार होगी। सुने गाम बहु, सुने राम बहु, दई दाम बहु, सुत पूजवावे बहुत करे थी प्यार। पास पास में बैठोगे जब पानी पीऊं वार वार। रह साथ बहु दिने रात बहु, नई बात बहु जय करण बनावे गा। प्रकार से हकीकत को पहले तो थाने में बंद करवा दिया और फिर अगले दिन उसका चालान काजी जी की अदालत के लिए कर दिया गया। अगले दिन हकीकत की मां कोरा और पिता भागमल दोनों ने अदालत में प्रवेश किया। उधर से मुलजिम भी अदालत में बुलवा लिया गया। लेकिन प्रेमी दोस्तों, फैसला क्या होगा?
इस बात को सोच करके हकीकत के माता पिता की धड़कन बढ़ रही थी। हकीकत के पिता ने मुकदमे की पैरोकारी के लिए वकील की तलाश की, लेकिन किसी वकील में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह इस्लाम धर्म की तोहीन के आरोपित मुल्जिम के हक में खड़ा होकर बहस कर दे। समय हुआ, न्यायाधीश काजी साहब ने दरख्वास्त को गहरी नजर से पढ़ा, सामने मेज पर अलार्म किया। इजलास खचाखच भरा हुआ था। हुक्म क्या होगा यह सुनने की आशंका से घबराए हुए लोग थे, और हकीकत के माता पिता की तो आवाज भी रुंध गई थी। न्यायाधीश काजी साहब ने अपना फैसला सुनाने से पहले मुलजिम के बयानों को लेने के लिए कह दिया, हकीकत आता है, कटघरे में खड़ा होता है, उससे पूछा जाता है कि तुम भी बताओ क्या हुआ। क्या बताता है हकीकत न्यायाधीश काजी साहब से? हाथ जोड़ लगा कहने हकीकत, मेरा दोष नहीं काजी जी, सत्य कहूंगा वही जो उनसे बात कही काजी जी। हाथ जोड़ लगा कहने हकीकत, मेरा दोष नहीं काजी जी, सत्य कहूंगा वही जो इनसे बात कही काजी जी। हाथ जोड़ लगा कहने हकीकत, मेरा दोष नहीं काजी जी, सत्य कहूंगा वही जो इनसे बात कही काजी जी। और मैं आपको साफ बता देता हूँ काजी जी, कि जिस समय मुल्ला जी नमाज अदा करने के लिए गए थे, तो उस समय स्कूल में क्या हुआ ये मैं बता रहा हूँ। हाँ, बालक बोले गोल बांध कर खेलना पड़ा जरूरी, मैं बोला मेरे पाठ पकाया बहुत बड़ी मजबूरी, बस्ता फेंक दवात फोड़ मुझे खेच चल घड़ी दूरी, मैं बोला देवी की कसम खारी मांग करू न पूरी, मैं बोला देवी की कसम खारी मांग करू न पूरी। हाँ, दई भवानी को गाली, दई भवानी को गाली, ये बात सही काजी जी, सत्य कहूंगा वही जो इनसे बात कही काजी जी। हाथ जोड़ लगा कहने हकीकत, मेरा दोष नहीं काजी जी, सत्य कहूंगा वही जो इनसे बात कही काजी जी। मैं बोला दुर्गे व फातिमा हो, मैं बोला दुर्गे व फातिमा का एक अर्थ होता है, इष्ट देव का कटु अनादर बड़ा अनर्थ होता है, राम रहीम नाम के ऊपर कलह व्यर्थ होता है, मजहब द्वेष की सलाह दे वो धर्म गर्त होता है, मजहब द्वेष की सलाह दे वो धर्म गर्त होता है। वाला इतनी सुन हमलावर हो गे, इतनी सुन हमलावर हो गे, नाम याद रही काजी जी,
वही जो इनसे बात कही काजी जी हाथ जोड़ लगा कहने हकीकत मेरा दोष नहीं काजी जी सत कहो हाँ तुम ही बताओ भेद नहीं क्या भाषा से वाणी में आप कहे तो नहीं जाए का बदल सके पानी में नुकसान कहे तो फर्क पड़े नहीं कति शब्द हानि में वही खुदा और वही राम है वृथा द्वेष प्राणी में वही खुदा और वही राम है वृथा द्वेष प्राणी में देख ले ओ अपराध आप ही बस राड यही काजी जी सत कहूंगा वही जो इनसे बात कही काजी जी हाथ जोड़ लगा कहने हकीकत मेरा दोष नहीं काजी जी सत कहूंगा वही जो इनसे बात कही काजी जी मनुष्य जून का एक धर्म है एक ही ईश्वर प्यारा खुदा कहो परमेश्वर बेशक नहीं है ईश्वर न्यारा परम पिता आनंद अक्ष वो व्यापक मारा थारा अलग अलग लिया धर्म मानिए दोष मनुष्य का सारा अलग अलग लिया माने धर्म ये दोष मनुष्य का सारा गुरु शरण दास कहे एक आसमा शरण दास कहे एक आत्मा और पवन वही काजी जी सत कहूंगा वही जो इनसे बात कही काजी जी हाथ जोड़ लेगा कहने हकीकत मेरा दोष नहीं काजी जी सत कहूंगा वही जो इनसे बात कही काजी जी इस तरह से हकीकत के बयान दर्ज किए गए और हकीकत ने यह कबूल किया कि मैंने बच्चों से यह कहा था कि तुमने जो शब्द मां दुर्गे को कहे हैं वो अपनी बीबी फातिमा को समझ लेना वरना किसी के इष्ट देव को इस तरह से निरादर की दृष्टि से कुछ कहना गलत है। अब तो इस बात पर काजी जी कहते हैं कि ठीक है कि मुलजिम अपने अपराध को स्वीकार करता है और इसके साथ साथ कई बच्चों के बयान लिए और मास्टर मुल्ला जी के भी बयान लिए सारी बातों को सोच समझ करके और फिर काजी जी अपना इंसाफ अपना फैसले की घोषणा करते हैं और इस तरह से कहते हैं कि दरख्वास्त के कुल हालात को पाक नजर के दरमियान रखते हुए कुल गवाहों के बयानों को मध्य नजर रखकर अदालत ने सालिम वाक्यात पर गौर फरमाया कुल मिलान से और सरे हुक्म को करार देकर अदालत हुक्म फरमाती है कि जो इल्जाम आयत हुए हैं वे सही पाए गए और मुलजिम को कत्ल कर दिया जाए। इस निर्णय ने हकीकत की मां कोरा और पिता भागमल दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया। थर थर कांपने लगे माता पिता। हकीकत की मां उस काजी साहब के पैरों में लेटकर रो रो कर बिलख बिलख कर क्या प्रार्थना करती है और काजी जी क्या कहते हैं। हाँ फतवा जारी करा कत्ल का लिखा जो सरे पाक में
यहाँ फतवा जारी करा कत्ल का लिखा जो सरे पाक में काजी जी, हमारे ऊपर कोई जुर्माना कर लो, चाहे मेरी जमीन और मेरा घर बिक जाओ, ऐसा ना करो। इस्लाम इजाजत ना देता, बड़ी गुनाह घूसखोरी लेख कभी देख ले तो सी ठहरा दिया और समझ लिए नेक सभी। हाँ कई फातिमा को गालिए कई फातिमा को गाली ये मिलेगा मौत खाक में। आंख में
देखा जी जी, अब कम से कम एक प्रार्थना ये कर दो कि इसको जमानत दे दो, लेकिन मना करता है काजी जी, क्या कहता है? बल्ला दूध और पानी छाना नारा करी नहीं कुछ गलती, अरे आगे रो रो के दिखली देश नहीं कुछ चलती। श्री प्रेम गुरु की सूरत धरनी, प्रेम गुरु की सूरत धरनी काया रूप ताक में, हकीकत की माता कोरा की बिलखती हुई जिस आवाज ने दीवारों को भी दहला दिया, वो आवाज उस काजी के कानों तक भी नहीं पहुंच पाई। सियालकोट की काजी की इस अदालत में हकीकत को सजाए मौत का हुक्म दिया गया, लेकिन फांसी लगने का स्थान लाहौर को सरकारी तौर पर मुकर्रर किया गया। हकीकत को लाहौर पहुंचाने लगे। हकीकत की मां और भी ज्यादा बिलख बिलख कर रोने लगी, तो हकीकत कहता है कि माता, इसमें रोने की बात क्या है? मैं सत्य और धर्म की खातिर अपने प्राणों की बलि हंसते हंसते देना चाहता हूं। समझाता हुआ हकीकत अपनी मां को क्या कहता है। कर ले मेरा सबर मात मत रो, तेरा लाल हकीकत प्राण धर्म पे खोवे। कर ले मेरा सबर मात मत रो, तेरा लाल हकीकत प्राण धर्म पे खोवे। सबर मात मत रोवे, कर ले मेरा सबर मात मत रोवे। जो थाम लही वो पाप की डोर नहीं, सतवादी की धड़ती बोर नहीं से, मेरा धर्म बचे मुझे प्राण की गोर नहीं से, धर्म का दर्जा मां कम जोर नहीं से, वैसा काटे जो बीज जगत में बोवे। तेरा लाल हकीकत प्राण धर्म से खोवे, सबर मात मत रोवे, कर ले मेरा सबर मात मत रोवे। तड़प तड़प तेरी घर पर जागी प्यारी, समझाना कदे लगे सुनावन गाली, कितनी माता बैठी गोद कर खाली, उन्हें देख देख तू पीना गम की प्याली,
कद मन चाही न मात जगत में होवे तेरा लाल हकीकत प्राण धर्म पे होवे करले मेरा सबर मात मत रोवे करले मेरा सबर मात मत हाँ आप समझ मेरे पिता की धीर बंधाना कद धरो कबर में लाश में दाग लगाना जो आया उसे पड़े जरूरी जाना इसका जी के नहीं कोई रहम का खाना जाइए लोट क्यों मुआ सूत धोवे तेरा लाल हकीकत प्राण धर्म पे खोवे करले मेरा सबर मात मत रोवे करले मेरा सबर मात मत रोवे हाँ करके सबर तू मेरी माँ चली जा जो धर्म तजो हिंदुओं की बात चली जा धूप पड़े कदे हो बरसात चली जा मां दिन लिखड़े फिर हो के रात चली जा तरज जय करण पर जा का मन मोहवे तेरा लाल हकीकत प्राण धर्म पे होवे करले मेरा सबर मात मत रोवे तेरा लाल हकीकत प्राण धर्म पे होवे करले मेरा सबर मात मत रोवे करले मेरा सबर मात मत प्रकार काजी ने कत्ल की दफा लगाकर हकीकत को हथकड़ी लगवा दी और सिपाहियों को आदेश दिया कि इसे नवाब निजाम साहब की अदालत में लाहौर पेश कर दो। तो सिपाही तो हकीकत को पकड़कर लाहौर की तरफ चल दिए। इधर हकीकत की माँ व उसके पिता ने घर आकर बहली बहू लक्ष्मी को सारा हाल बता दिया और कह दिया कि बेटी अब तुम भी अपने पीहर चली जाओ, अगर हकीकत मौत के मुंह से बच गया तो तुम्हें ले आएंगे। और इतना कहकर के लक्ष्मी का डोला उसके पीहर के लिए चलता कर दिया। एक रास्ते से हकीकत को लेकर सिपाही शहर से बाहर आ गए और दूसरे रास्ते से लक्ष्मी का डोला भी शहर से बाहर आ गया। और जब दोनों रास्ते एक सड़क पर मिले तो लक्ष्मी ने डोले में से देख लिया कि तेरे पति को सिपाही पकड़े जा रहे हैं, तो झट से डोले में से कूद करके क्या कहती है इस बात के द्वारा पेश है। आती जाती पुलिस कैदियों का और गठिया दिखे से डोला रो कहार के मेरा पिया दिखे से आती जाती पुलिस के दियों का ठिया दिखे से डोला रो कहार के मेरा पिया दिखे से नहीं कई
रही काल चकोर चांद की मारी मरती में किसे मोरी में बिल पाजा तो बढ़ जा धरती में पति के दर्शन करके पाछे हम भोजन करती में आज रामचंद्र गया छोड़ अकेली रामचंद्र गया छोड़ अकेली दिख सिया दिख से थोड़ा रो कहार के मेरा पिया दिख से हकीकत को सिपाही पकड़े हुए जब ले जा रहे थे तो कहती है लक्ष्मी कि सिपाहियों मेरी दो बात मेरे पिया से हो लेने दो तब ले जाना। अपने पति हकीकत के पैरों में गिर जाती है और क्या कहती है लक्ष्मी तथा समझाता हुआ हकीकत क्या जवाब देता है।
मन छोड़ के चाल पड़ा। धर्म के ऊपर मर मिटने की मेरे दिल में चाह से, मने छोड़ के चाल पड़ा पिया के जीने का राह से। धर्म के ऊपर मर मिटने की मेरे दिल में चाह से, मने छोड़ के चाल पड़ा पिया के जीने का राह से। धर्म के ऊपर मिटने वाले झूले स्वर्ग झूल में, भरी जवानी विधवा हो जाओ खुशबू रन फूल में। दुनिया कर बखान तेरा तू आरी कौन भूल में हो, दुनिया कर बखान तेरा तू आरी कौन भूल। रज मन में धार लक्ष्मी सबका हरी पनाह से, मन छोड़ के चाल पड़ा पिया के जीने का राह से। कौन मिले न तो होंगे स्वर्ग में डेरे, सुख सुख में तेरी साथ रहूं तेरी जैलिए से फेरे। ईश्वर की मर्जी आगे ना जोर चले तेरे मेरे हो, ईश्वर की मर्जी आगे ना जोर चले तेरे मेरे। सबने भरना होगा लक्ष्मी कर्म की फंसी गुनाह से, मने छोड़ के चाल पड़ा पिया के जीने का राह से। मतना साथ मेरे ने मरिए तन अपनी कसम खुआऊं, जैसे मैं भी मरी पड़ी रहूं ना पीऊं ना खाऊं। मात पिता की सेवा करिए बात यही समझाऊं हो, मात पिता की सेवा करिए बात तुझे समझाऊं। मेरे जिसी ना लुटी कोई जिसी लुटगी सस्ते भा में, राम रतना बख्शे एक दिन काल सभी न खासे। मने छोड़ के चाल पड़ा पिया के जीने का राह से। धर्म के ऊपर मर मिटने की मेरे दिल में चाह से, मने छोड़ के चाल पड़ा। सोनोटेक कैसेट्स कंपनी, सोनोटेक कैसेट्स कंपनी यूपी हरियाणा व राजस्थान में जिसके नाम की धूम मच रही है वही तो है सोनोटेक
कैसेट्स कंपनी। सोनू टेक कैसेट्स।